the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, मैं हूं विपिन तिवारी और मेरे साथ हैं मनोज पाठक जी। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 30,42,000 करोड़ का बजट पेश किया। आज हम इस बजट के बारे में जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो आज निर्मला सीतारमण ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए 2 घंटा 40 मिनट तक अपना बजट भाषण दिया, जो एक ऐतिहासिक है, अब तक का सबसे लंबा बजट है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे बजट पे तो हम बात करेंगे नहीं, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वित्त मंत्री ने आज अपने बजट की शुरुआत, जो कि वह कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर की, तो हम भी अपनी चर्चा की जो शुरुआत है वो ग्रामीण विकास से ही और कृषि से ही करेंगे। पाठक जी, कृषि को लेकर के जो वित्त मंत्री ने 16 सूत्री कार्यक्रम दिए और जो बाकी बातें कही, वो उसके मुख्य बिंदु क्या हैं और उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं जब कि इस बार के बजट भाषण में और इस बार के बजट में वित्त मंत्री द्वारा उन अनछुए पहलुओं पर चर्चा शुरू हुई है और उन पर चर्चा शुरू की है उन्होंने। उसमें 16 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने दिया है कृषि मंत्रालय को लेकर के, जिसमें कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए जो किया है उस पर। इस बार के बजट पे जब इसमें जो कृषि मंत्रालय को विशेष तरजीह दी गई, उस पर बेरोजगारी को कृषि के जरिए दूर करने को भी लेकर के जो सरकार का विजन है, और मैं अक्सर इस बात को लेकर के रखता भी रहा हूँ इस बात को कि देश से बेरोजगारी दूर करने का सर्वोत्तम उपाय कृषि ही हो सकता है, और जब तक सरकारें कृषि पर फोकस नहीं करेंगी, कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगी, देश से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। उसको देखते हुए कृषि पर जब मेन फोकस होता है जब सरकार का, उसके तहत 16 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा सरकार द्वारा आज की गई, जिसके लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, और जिसमें कृषि सिंचाई और उसके संबंधित गतिविधियों के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 1.23 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, एग्रीकल्चर लोन के लिए NBFCs को भी उसके दायरे में लाया गया कि अब NBFC भी जो है वो एग्रीकल्चर लोन दे सकें वहाँ पे जा कर के ग्रामीण क्षेत्रों में। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि व्यवस्था को लेकर के उदासीनता थी वो लोगों की दूर होगी। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ रही इसमें, जो भंडारण की समस्या सबसे बड़ी समस्या रही है कृषि उत्पादों के साथ, क्योंकि वो ऐसे सामान हैं जो उत्पादन के बाद जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको लेकर के भी एक किया गया है कि ब्लॉक स्तरों के और तालुका स्तरों के शहरों में कृषि भंडारण के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने को लेकर के भी सरकार ने उनके निर्माण के लिए भी आगे आने का कार्य किया है उस पर। फिर मत्स्य पालन को लेकर के इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि पंचायत लेवल, तालुका लेवल और ब्लॉक लेवल के साथ साथ एक SHG ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है, उसके साथ मिलकर के ग्रामीण लेवल पे, यानी गांव लेवल पर भी स्टोरेज करने की बात कही गई है। फिर एक बात और कही गई है इसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए रेल, बिना बाधा के रेल की सुविधा, और उसमें जो वातानुकूलित रेल हैं जिनके जरिए रेफ्रिजरेटर वाले, उनके जरिए उन चीज़ों को पहुंचाने की बात कही गई है। उसमें ये उड्डयन मंत्रालय को भी शामिल किया गया है, उसके लिए जो हवाई यात्राएं हैं, हवाई यात्राओं के जरिए भी उन उत्पादों को वहां तक पहुंचाया जाए, कंज्यूमर तक पहुंचाने की बात कही गई है। फिर ये दो बड़ी समस्याएं रही थी इसको लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर के, कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट तो उत्पादन तो होते हैं लेकिन वो खराब ना हो और वो वहाँ तक पहुँचे, पहुँच सके वहाँ पे।
जो सबसे प्रमुख बात कही गई है उसमें जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आती है उन चीज़ों को, गौ पालन को और पशुपालन को लेकर के है, और जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दिया गया है। हाँ। और जैविक उत्पादों के लिए ई मार्केट की व्यवस्था की बात कही गई है। बिल्कुल, इसमें कहा गया कि जैसे जो केमिकल फर्टिलाइजर है हाँ। उसको इंसेंटिवाइज नहीं करें, नहीं करके प्रोत्साहन उसको नहीं दिया जाए, और जो है सो इसको प्रोत्साहित किया जाए, जो जैविक कृषि है, परंपरागत कृषि है उसको किया। दरअसल दो चीज़ें हैं बड़ी प्रमुखता से जो परेशान करती है लोगों को, एक स्वास्थ्य, और भाई जब आपको स्वच्छ भोजन मिलेगा तो स्वास्थ्य आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप जैविक खेती से भोजन तो स्वस्थ ही मिलता है, तो स्वास्थ्य ठीक होना है उस पर, तो इस पर फोकस किया गया है सरकार का। स्वास्थ्य को लेकर के सरकार के इस पर बजट में भी स्वास्थ्य बातें कही गई। हाँ, वो भी बड़ा बेहतर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें सरकार ने कही हैं इस मसले पे, उसमें जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ ये रही थी, मैं उसको देख रहा था, स्वास्थ्य पे जो सरकार की रही थी कि जो मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 12 नई बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की बात कही गई है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आयुष्मान भारत को लेकर के, आयुष्मान योजना के तहत जो सबसे बड़ी समस्या ग्राम्य भारत की थी, वो समस्या थी कि वहाँ अस्पताल ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, तो अस्पताल नहीं थे तो उन जगहों पे कुछ जिलों को चिन्हित करके, और वहाँ पे मतलब 112 जिलों को, 112 जिलों को चिन्हित करके महत्वाकांक्षी जिले प्रधानमंत्री ने घोषित किए थे, उसको लेकर के उनको फोकस किया है कि वहाँ से हम वो एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिसमें कि वहाँ अस्पतालों का निर्माण हो सके, जिला स्तर के जो अस्पताल हैं उनका उस पर अस्पताल नए और बन सके उन जगहों पर होकर के। एक और जो अच्छी चीज़ उसमें समझ में आई कि डॉक्टर्स की कमी है पूरे देश भर में होकर के, तो उसके लिए भी सरकार ने एक अच्छी बात कही है इसमें, इस बजट में जो मुझे समझ में आ रहा है, अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का खोलने की बात वहाँ पे कही गई है कि वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे कि वहाँ से पढ़ करके बच्चे और डॉक्टर बन सकें और भी लोग आगे आ सकें। इसके अलावा बजट में अगर आप देखेंगे तो एक और बात कही गई थी, ODF प्लस, ODF यानी ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त। क्योंकि पिछले कार्यकाल में देखेंगे तो सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन था वो बहुत प्रमुख मिशन था, तो पूरे गांव में हर घर में एक शौचालय बनाए गए जिससे ओपन शौच से यानी खुले में शौच से मुक्ति दी जाए। तब है कि शौच से मुक्ति तो दी गई, लेकिन कई बार होता क्या है, हमारी आदत तो बन जाती है लेकिन कई बार हम उस आदत से छूट जाते हैं, तो आदत बनी रहे, तो इसको इस बार में, इस कार्यकाल में आप 15 अगस्त के भाषण को प्रधानमंत्री के लिए या तब से भी ODF प्लस का एक नया कंसेप्ट आया है, इसके तहत जो ग्रामीण इलाकों में ODF हो गए यानी ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए, जी, जी, अब वहाँ पे लिक्विड मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट यानी जो पानियों का निकासी है, फिर जो ग्रामीण इलाकों में जो कूड़ा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट का मैनेजमेंट क्या हो, अब देखेंगे पोलोथीन से लेकर के, चूंकि गांव इलाकों में अब हर गांव में पशु जो हैं उसकी संख्या तो कम हो ही रही है, कम होती चली जा रही है दिन तो प्रतिदिन। नॉर्मल जो कूड़ा कचरा और सब्जी वगैरह का होता था तो वो गांव में पहले खदरगाह गोबर वगैरह के साथ वो सड़ करके खादर बन जाता था, लेकिन एक पोलोथीन की समस्या तो आ ही रही है, जो गलता नहीं है, जो गलता नहीं है, पूरे कूड़े को बर्बाद करता है, और जिसके यहाँ गोबर नहीं है तो वो कच्चा पदार्थ सड़ता भी नहीं है, जो खादर बनता भी नहीं है, तो एक समस्या है। और पानी की निकासी तो ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे घने आबादी है वहाँ पे एक बड़ी समस्या तो है, तो उसको लेकर के भी नेक्स्ट टारगेट में एक अक्सर आप देखेंगे कि गांवों में हाँ। नाली को लेकर के ज्यादा हाँ। झगड़े होते रहे हैं और उस पे रहा है, तो इस बार उसके ऊपर भी फोकस किया गया है, किया गया है। फिर एक है जो हर घर तक नल के द्वारा पानी पहुंचाने, पीने का पानी, शुद्ध पेयजल पहुंचाने की भी जो व्यवस्था है, नल जल योजना जो है उसको लेकर के भी इस वक्त लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का फंड एलोकेट किया गया है उसको। एक और चीज आप प्रमुखता से देखेंगे कि जो कुछ उस तरह के जो उपेक्षित रहे उसमें पहले बातें बहुत हुई उस पे होकर के,
पशुओं में बीमारियों को लेकर के भी चिंता जताई गई है। हाँ, फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज का जो अक्सर ग्रामीण इलाकों में किसानों को परेशान करता है। हाँ, कि जैसे और बड़ा तेजी से पशु मर जाते हैं, पशु मरते हैं उसमें। एक बीमारी होती है जिसको खुरहा कहते हैं हमारे। हाँ, यहाँ जो खुर से शुरू होता है और उसमें मुंह तक पहुंच जाता है होकर के, तो उनके लिए भी टीकाकरण की बात कही गई है सरकार के द्वारा इसमें, कि वो किया जाए उसमें हो उससे। अब आते हैं ग्राम शहरी भारत की तरफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के। हम टैक्स वाला इशू भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स थोड़ा सा रुक करके आते हैं। हाँ, वो अंत में आज बात भी की गई है। हाँ, उसको लेकर ठीक है, चूंकि टैक्स हर बार अंत में आता है तो हम लोग भी अंत में, चूंकि सबसे ज़्यादा लोगों की रुचि जो है वो टैक्स स्लैब को लेकर के होती है। हाँ, और वो हर बार अंत में ही वित्त मंत्री के भाषण का अंतिम हिस्सा होता है। ठीक है, तो चूंकि जैसे जैसे उनके भाषण का हिस्सा है वैसे वैसे हम भी चर्चा कर रहे हैं। इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक पुश किया गया है। आपको मालूम होगा कुछ दिन, लगभग 2 महीना पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 103 लाख करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का घोषणा की थी। बिल्कुल, जिसमें रोड हो गया, हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, पाइपलाइन के थ्रू गैस हो गया, रेलवे हो गया, इन सारी चीजों में लेकर के उसमें लगने जल मार्ग को, जल मार्ग से लेकर के वो सारी चीजें भी होगी। तो इस चीज को एक बार उन्होंने फिर से दोहराया है। हाँ, और साथ ही 100 नए एयरपोर्ट जो अभी पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि छोटे 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 शहरों में जो एयरपोर्ट बनाने की उड़ान योजना के तहत जो एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी, इस बार भी अगले एक साल में 100 नए एयरपोर्ट की शायद। तो जल जीवन मिशन की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो अभी आपको याद होगा, लखनऊ से दिल्ली के बीच में IRCTC एक ट्रेन चला रही है, जिसको हम पहली प्राइवेट ट्रेन भी कह रहे हैं, जिसको PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट मोड पे। तो उस तरह से 150 और ट्रेन चलाने की भी योजना है। एक और मसला है सर इसमें जो मैं देख रहा था कि 50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की बात सरकार ने कही है। इस बार शिक्षा के क्षेत्र को भी छोड़ा नहीं गया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी 50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की बात कही गई है सरकार के द्वारा, जिसका लक्ष्य मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू करने की बात कही है, जिसमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट को लेकर। बिल्कुल, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी इस बार सरकार ने, पिछली बजट में भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर के किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये एक महत्वाकांक्षी योजना तो है ही। वो पिछली बार कितना सफल हुआ नहीं सफल हुआ, वो बहुत जगहों तक पहुंचा, बहुत जगहों तक नहीं पहुंच पाया, क्रियान्वयन एक अपने जगह पे, लेकिन सरकार ने इसको लेकर के एक बात तो कही है। इस बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जो बिजली है उसको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पिछले कार्यकाल में जो सरकार का मुख्य फोकस था वो हर घर तक बिजली पहुंचाने का था। इस बार निर्मला सीतारमण ने एक घोषणा की है, एक स्मार्ट एंड प्रीपेड मीटर जो लगाने का है। उससे क्या होगा कि बिजली के इसमें जो चोरी की बात रही, बिजली की चोरी, और उसमें मतलब बिजली कंपनियां भी जो ज्यादा बिलिंग और इन सब को लेकर उससे बचत हो जाएगी। ओके, और सौर ऊर्जा को लेकर के विशेष, जो प्राकृतिक ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा को लेकर के विशेष तौर पे ध्यान दिया गया, उसमें किसानों को भी जोड़ा गया है। हाँ, वो जो 16 पॉइंट है उसमें 16 भी है कि जो 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने की बात कही गई है, 20 लाख किसानों को तक सोलर पंप उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और जो गैर कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पे कृषि नहीं, जो बंजर भूमि है, वहाँ पे भी सोलर प्लांट बनाने की बात कही गई है, उसमें सरकार की सहायता मिलेगी और वो कर सकते हैं उस पे। इसके अलावा पंचायत, 1 लाख पंचायतों को जो भारत नेट, जो फाइबर ऑप्टिक्स लाइन्स के थ्रू है, इस वित्तीय वर्ष में जुड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि फाइबर ऑप्टिकल्स जो है वो पूरे देश में बिछाने का जो कार्यक्रम है वो काफ़ी तेज़ी से पहले से ही चल रहा है, इस बार 1 लाख पंचायतों को फाइबर ऑप्टिकल से जोड़ने की बात कही गई है। एक और चीज़ जो अगर हम उद्योग धंधे की तरफ बात करें, तो इस बार सरकार ने कहा है कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, यानी घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, अगर कोई मोबाइल उत्पादन में हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करता है, बनाता है,
तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसमें सरकार मदद करेगी जी, इस बात की भी उसमें घोषणा किया गया है। अब आते हैं हम कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए और कंपनियों से जुड़े हुए बातों के लिए। क्योंकि पिछली बार जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तो उनकी बहुत आलोचना हुआ था, कुछ कंपनी एक्ट वगैरह में हाँ। जो उन्होंने लाया था, जैसे CSR को लेकर के उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया था, उसके बाद में उन्होंने उसको वापस भी लिया, और चूंकि उन्होंने 2-3 महीने के बाद से हर सेक्टर को लेकर कुछ ना कुछ घोषणा की, इस बार उन्होंने कंपनी एक्ट में एक अमेंडमेंट करने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि जो अगर सिविल ऑफेंस है, अगर किसी कंपनी द्वारा, जो कंपनी एक्ट में सिविल ऑफेंस ही है जी, क्रिमिनल ऑफेंस तो अगर आप कंस्पिरेसी करते हैं तब होता है। अगर आपने काम नहीं किया या टैक्स नहीं दिया, कोई कंस्पिरेसी नहीं, तो सिविल ऑफेंस हुआ, तो सिविल ऑफेंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, यानी उसके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होगा, उसको जेल नहीं डाला जाएगा, यानी अगर आपने टैक्स चुराया है तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो ये एक बड़ा सा बदलाव है, इससे कंपनियों को भारी राहत मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जैसे ही उन्होंने उसे क्रिमिनल ऑफेंस बताया था उसको लेकर के स्टॉक में एक दहशत का माहौल हो गया था, किस तरह से ये विरोधी बात है। फिर एक और चीज को लेकर के पब्लिक के अंदर बहुत ज्यादा एक डर का माहौल रहता है कि हम बैंक अकाउंट में जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं हाँ, वो हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है। बिल्कुल, अरे विशेष रूप से जो मुंबई का ये कोऑपरेटिव बैंक जिस तरह से दिवालिया हुआ उसके बाद से ये मामला और भी बढ़ गया था। हाँ, वो मिनिमम गारंटी की जो बात है जिसे 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो उस प्रोपोर्शनेट को भी देखने की जरूरत सरकार को थी इस पे, कि वो 1 लाख की व्यवस्था कब की थी, आज 5 लाख की व्यवस्था हो रही है, तो क्या वो पैसे की वैल्यू उतनी ही होती है उसमें, तो वो मिनिमम गारंटी की बात। और बात तो ये भी है कि पैसा तो हमारा है, हम बैंक को सुरक्षित रखने के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, और बैंक यदि दिवालिया होने की स्थिति में आ जाता है तो फिर हमारा पैसा खत्म हो जाए। हालांकि वैसी स्थिति आती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा, वित्त मंत्री ने ये बात कही कि जो भी आप पैसा जमा करते हैं वो कम्प्लीटली सुरक्षित है, और जो शेड्यूल बैंक है उसके ऊपर जो निगरानी को लेकर के एक प्रॉपर व्यवस्था है। और ऐसे भी हम देखें तो जब से बैंक का नेशनलाइजेशन है या पिछले कुछ हिस्ट्री से देखें तो किसी भी शेड्यूल बैंक की दिवालिया होने की स्थिति नहीं आई है। जितनी बातें आती है वो कोऑपरेटिव बैंकों के साथ ही आती है, जो बैंकें लगातार मतलब, हालांकि इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे भी रहे हैं, उन मुद्दों में जैसे LIC का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, उसमें IDBI बैंक से कुछ ये करने की बात भी कही गई है उसमें। बिल्कुल, वो तो खैर विस्तार का विषय है, उसकी विस्तृत अध्ययन के बाद की बात होगी, उतना विस्तार से उसके भीतर गया नहीं है व्यक्ति। बिल्कुल, लेकिन इस बार के बजट में जो सबसे लॉन्ग टर्म जो प्रपोजल रहा वह रहा डायरेक्ट टैक्स रिजीम में एक बदलाव का। मैं पिछली बार भी जब बजट आया था तो एक लेख लिखा था छोटा सा अपना ब्लॉग में, उसमें मैंने कहा था कि आम आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कितना डिडक्शन ले, कितना रिबेट ले, इतने सारे क्लॉज हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता है। तो अब जितना उलझा हुआ कोई लॉ बनाएंगे उसके कंप्लायंस उतने ही टफ हो जाते हैं, यानी आदमी से गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो आम आदमी के साथ आप उसको सही सही पालन करें, उससे अच्छा है कि आप उसको जितना सरल तरीके से कर दे, जितना सरल हो सके, जितना सरलीकरण हो इसका, आम भाषा में समझ में आ जाए, इतना आया आपको इतना करना है। जो CSR को लेकर के आप बात करेंगे तो कंपनियों का सबसे बड़ा था, वो कहते थे कि सरकार इसको जटिल बनाने के बजाय जो हमें ऊपर डालती है वो टैक्स ही 2% बढ़ा ले और हमसे ले ले, हमके CSR से छुटकारा दे दे, हम इस जटिलता में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो उसी तरह जैसे GST को लेकर के कहा जाता है कि जटिल प्रोसेस है, प्रक्रिया ही जटिल है, तो उसी तरह से हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है प्रत्यक्ष कर में जो है उसकी जटिलता को दूर करते हुए, हालांकि 2 ऑप्शन दिया है उन्होंने, एक जितने डिडक्शन है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, चूंकि अभी एक रिजीम चेंज हो रहा है। हाँ। वित्त मंत्री ने कहा एक पैटर्न से हम दूसरे पैटर्न पे जा रहे हैं। हाँ। चूंकि यह एक एक्सपेरिमेंटल भी है, तो भी देखना चाहेंगे कौन कितना सक्सेस होता है उस स्ट्रीम पे जाना चाहिए। प्रयोगात्मक तो है उसमें, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि स्लैब तो चेंज कर दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जितने बाकी सारे आपको डिडक्शन है वो डिडक्शन आपका खत्म, आपका इतना इनकम हुआ इस स्लैब में, अब इतना इनकम आप
जितना टैक्स आप देंगे। ठीक है, तो यानी उन्होंने, हालांकि उसमें एक दिक्कत और भी है जो समझ में आ रहा है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो लोगों का जो निवेश था इन चीज़ों पे लेकर के, जो निवेश होते थे वो निवेश घटेंगे, कोई जरूरी नहीं। तो चूंकि जो लोग टैक्स बचाने के लिए ही निवेश करते थे, हाँ, तो बहुत से लोग तो करते थे टैक्स बचाने के लिए निवेश, जैसे उससे ब्लैक मनी भी जनरेट होती थी कई बार, जो फर्जी ट्रांजेक्शन दिखा करके उधर से उधर करते थे, उसका भी एक कारण था। नहीं नहीं, उसमें जैसे वो उसमें ब्लैक मनी की संभावनाएं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ उस पर, जैसे जीवन बीमा पॉलिसियाँ उस पर लोगों को रिबेट मिल जाता था, ATC ATD इस तरह से बहुत सारे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड वगैरह होते थे, उन सब पे लोग टैक्स का रिबेट ले लिया करते थे उस पर, तो उस तरह के कुछ निवेश आते थे उसमें। बिल्कुल, तो अगर आप निवेश में आप देखेंगे ना, तो जो हायर एंड वाला है, जो आप जो उच्च आय वर्ग वाला है, जो 15 लाख 10 लाख से ऊपर वाला आय वर्ग वाला, 10 लाख से ऊपर, ठीक है, तो वो जान सामान्यतः एक CA की सेवाएं लेते ही हैं, तो उनको तो आप जिस तरह से भी ले वो ले सकते हैं, लेकिन जो निम्न आय वर्ग वाला है उनको CA के पास जाने या किसी एक्सपर्ट के पास जाने से छुटकारा मिल जाएगा। एक सामान्य सा फॉर्म हुआ, आपका इतना इनकम हुआ, विशेष करके सैलरीड एम्प्लॉई, वो जब नए तरीके में आएंगे, हाँ नए तरीके, हाँ विशेष करके सैलरीड एम्प्लॉई के लिए जी, उनके पास तो इनकम कितना हुआ, वे ऑलरेडी रिटेन है, क्योंकि 5 लाख तक तो आपको, अगर 5 लाख से कम का आपका सैलरी है, फिर आपको CA के पास जाने और किसी और इन्वेस्टमेंट दिखाने की जरूरत है नहीं। अधिकांश आय वर्ग जो है वो उसी श्रेणी में, 5 लाख से नीचे में ही आता है, 5 लाख से नीचे में जीरो टैक्स भरना है, जो सर्विस सेक्टर में जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी बात, बिल्कुल उनको जीरो टैक्स भरना है। उसके ऊपर वाले जो है 7 लाख 8 लाख यानी 10 लाख तक है, तो नहीं जीरो नहीं, वो 5% आएगा, 2.5 लाख, 5% नहीं, अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है हाँ वो 5 लाख से नीचे हुआ हाँ तो आपको जीरो टैक्स देना है। हाँ अच्छा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका 5 लाख से ऊपर हुआ, इस लैब को आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे, विस्तार से मैं बताऊंगा विस्तृत कि एक जो हमारा 0 से 2.5 लाख तक है वह है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ यानी कितना भी आपका आय हो वो इनकम टैक्स 2.5 लाख रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा 2.5 लाख से 5 लाख का स्लैब, हाँ, जिसमें हमारा 5% का 5% की बात स्लैब है। हाँ, लेकिन सपोज कर लीजिए पूरे साल में जो मेरा इनकम हुआ वो काउंट हुआ 4,99,000, तो 2.5 लाख तो पहले डिडक्शन हो गया था, उसमें कुछ टैक्स तो लगना नहीं है, फिर 2,49,000 जी, तो इस 2,49,000 पर सामान्य प्रक्रिया में हमें 5% टैक्स देना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा जो टोटल आय है, कुल आय है, वो 5 लाख से नीचे है, इसलिए 2,49,000 पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अच्छा, एक कंडीशन ये हो गया। अब कंडीशन आता है कि हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम हुआ वो 5,50,000 हो गया। ठीक है, तो 2.5 लाख तो इसमें से निकल गया, एग्जम्प्टेड हो गया, बिल्कुल। अब बचा 2.5 लाख से 5 लाख, ये 2.5 लाख पर हमें देना होगा 5% के रेट से टैक्स, और फिर बचा 5,50,000 यानी 50,000 हो, उस 50,000 पर हमें 10% के रेट से टैक्स देना होगा। यानी जैसे ही आप 5 लाख के बैरियर को क्रॉस करेंगे आपको सीधे 2.5 लाख से टैक्स देना होगा। जैसे ये ठीक वैसे ही है जैसे दिल्ली की बिजली का है, हाँ, कि अगर आप 200 यूनिट से नीचे हैं हाँ, तो आपको बिल नहीं देना है हाँ, लेकिन जैसे ही 200 यूनिट के बैरियर को क्रॉस करते हैं, 201 यूनिट के हो जाते हैं, तो आपको पूरे 200 यूनिट पूरे 200 यूनिट का भी बिल देना होगा हाँ, वो उसके लिए भी दर अलग अलग हैं हाँ, और उन्हीं दरों के साथ देना पड़ेगा। तो ठीक है, वैसे ही है जी, कि आप उसके नीचे हैं तो जीरो हैं, लेकिन जैसे ऊपर हुए आप पूरे नीचे से आ जाएंगे। यानी उसमें जो 2.5 लाख से 5 लाख का है उसको सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन में नहीं रखा है, उसको एग्जम्पशन में रखा है। यानी इसके नीचे रहेंगे तो आप एग्जम्प्टेड हैं, अदरवाइज ये आपके सारी दरें किस प्रकार हैं आयकर की? ये आयकर की दरें मैं एक बार आपको बता दूं जी, ये आपको है 5 लाख तक तो आपका अगर इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा हाँ। वो क्या उसमें शर्त क्या है, उस शर्त अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके अलावा 5 लाख से 7,50,000 तक
10% का टैक्स है। हाँ, और 7 लाख पहले कितना था? पहले 20%, पहले 20% था। पहले 5 लाख से 10 लाख तक 20% था। अब उसको 2 स्लैब में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%। अच्छा, मतलब यहाँ पे 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच में 10% का फायदा हो रहा है, और 10 और 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक में 5% का फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा 10 लाख से 12.5 लाख तक, जो यहाँ पे पहले हमारा दर था वो 30% का दर था, तो 10 लाख से 12.5 लाख तक सरकार ने इसको 20% कर दिया है, और फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% कर दिया है। जो ओल्ड हमारा टैक्स था, पुराना टैक्स, वो 30%, मतलब फाइनली लास्ट में भी यदि 15 लाख तक भी जाते हैं तो आपको 5% 12.5 से 15 के बीच में भी 5% का फायदा मिल रहा है। 15% से ऊपर अभी भी 30% लगेगा, पहले भी 30% लगता था। यह एक कम्प्लीटली पूर्णतः सरलीकरण है टैक्स का। किसी भी टैक्स को अगर आप जान चाहते हैं कि या किसी भी कानून को जनता आसानी से पालन करे, तो आम आदमी के रूप में भी समझ में आने वाला उसको आपको बनाना चाहिए, और मुझे खुशी है कि इस दिशा में ये कदम उठाया गया है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को भी समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे है, आपका इतना इनकम हुआ, इतना टैक्स बनता है, इतना टैक्स दीजिए, आप घर जाइए, यानी एक सिंपल से फॉर्म में। क्योंकि जो सैलरीड एम्प्लाई है, नौकरी पेशा वाला है, उसका इनकम कहाँ से आ रहा है, वो तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, वो तो है कि तनख्वाह मिलनी है, खाते में आनी है, और वहाँ से निकल के खर्च होना है, ठीक है। तो उसको किसी एक्सपर्ट को लेने की क्या ज़रूरत है? किसी सीए को या किसी मित्र को 1000-2000-1500 देने की क्या ज़रूरत है? वो उसका बचिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ हुआ है जो अभी हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, वह है डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है जी। जो कंपनियां डिविडेंड वगैरह देती थी, जो डिविडेंड पे टैक्स लगता था, उस डिविडेंड टैक्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। और वित्त मंत्री ने एक चलते चलते एक और भी बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण बात कही थी जो इनकम टैक्स को लेकर के जी डिस्प्यूट होते हैं, केस होते हैं। हाँ, आप कई लोग ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ये बड़ी बात, संख्या में केस है, संख्या में ट्रिब्यूनल से लेकर के हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। चूंकि जो व्यक्ति लड़ रहा है वो भी देश का नागरिक है, टैक्स पेयर, वो भी वकील को पैसा दे रहा है, सरकार भी वकील को पैसा दे रही है, ट्रिब्यूनल और कोर्ट की अदालतों के भी समय जाया हो रहा है। जिसको लेकर के सरकार ने एक वन टाइम स्कीम लेकर के आई है, विवाद से विश्वास तक, यानी नो डिस्प्यूट ट्रस्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत मान लीजिए कि हमने टैक्स भरा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, आपने जो टैक्स भरा है उसमें 10,000 रुपया और टैक्स बनता है, और वो 10,000 रुपया आपने टैक्स नहीं भरा जो 3 साल पहले बनता है, उसके ऊपर आपको हम 5,000 का जुर्माना लगाते हैं, और 2,000-1,000 रुपया का उसमें आपको इंटरेस्ट लग गया। तो आपको ओरिजिनली टैक्स देना था 10,000, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको 16,000-20,000 रुपया का डिमांड नोट भेज दिया, आपने उसको कोर्ट में चैलेंज किया, ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। तो सरकार ने कहा है कि जो फाइन लगाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, हम उस फाइन को फॉरगो कर देंगे, माफ कर देंगे, जो इंटरेस्ट लगाया है उस इंटरेस्ट को भी हम माफ कर देंगे, जो हमने ओरिजिनल टैक्स डिमांड है उस टैक्स को आप जमा, उस टैक्स को आप जमा कीजिए। ये तो विवाद का मुद्दा तो वही है ना कि टैक्स डिमांड जो हमको लगा वो हमने जमा कर दिया। हाँ, इसके बाद स्कूटनी में वो आया और वहाँ पे निकल करके कहा गया उस पे कि नहीं, ये नहीं है उसमें हमारा। हाँ, हमारे हिसाब से आपका टैक्स इतना बनता है। बिल्कुल ठीक है, तो विवाद तो ट्रिब्यूनल में इसी बात को लेकर के है वहाँ पे। बिल्कुल, कि वो तो वो कौन से दर से उसको जमा किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सरकार का है जो टैक्स डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है जी, उस टैक्स को, सिर्फ उस टैक्स को आप जमा कीजिए, उसके साथ जो फाइन है और जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, दो कदम आप आगे बढ़ो, दो कदम हम आगे बढ़ते हैं, और इस मामले को यहीं पे चैप्टर क्लोज करते हैं, ट्रिब्यूनल को छोड़ते हैं, ट्रिब्यूनल के लोड को कम करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, समझौता की बात है, समझौता की बात है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी प्रेशर को कम करते हैं, आपका भी वकील का खर्चा बढ़े बचे, मेरा भी वकील का खर्चा बचे, आइए इसको रफा दफा करके चैप्टर को क्लोज करते हैं, आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें। ये इसका मुख्य जो है, 31 मार्च
2020 तक का सरकार ने इसमें समय दिया है। ये इसका मुख्य बिंदु है जी। तो ये था आज 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट पर एक संक्षिप्त चर्चा। हमारी चर्चा आपको कैसी लगी, इसके विषय में आप हमें जरूर सूचित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हम अगली चर्चा लेकर के फिर आपके पास आते हैं। हमें जो लगा वो हमने आपके समक्ष रखा है, आप अपने राय से हमें ज़रूर अवगत करवाइएगा। धन्यवाद।